This news is powered by the Gurukulam International School and co-powered by Gurukul Tiles Jiyanki. All types paver block and tiles. लातेहार में कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाके से नक्सलियों का खात्मा होते जा रहा है। सरकारी योजनाएं धरातल पर आने लगी हैं, लेकिन इन योजनाओं में लूट और बंदरबांट देखकर बस यही कहा जा सकता है कि सिर्फ कागज पर और आंकड़ों में ही उन इलाकों का विकास हो रहा है। लातेहार के गारू में ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। रूद पंचायत के सीमा खास गांव में फेदोर एका के नाम पर एक कुआं का निर्माण करवाया गया है, पर वार्ड पार्षद और ग्रामीणों की माने तो वो कुआं वहां पहले से ही मौजूद था। तब सवाल उठता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इन मसलों पर मौन क्यों रहते हैं। ग्रामीण उपायुक्त से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनमानी अपना मनपसंद ही अपना पास कर रही है। पेपर किस तरफ खुल है वो भी पता नहीं। मास्टर रोल में भी साइन नहीं हो रहा है। आप लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं तो फिर क्या है? हम लोग विरोध करते हैं तो मारपीट का धमकी देना शुरू करता है। किसके द्वारा दिया जाता है मारपीट का धमकी? फेदोरेका के द्वारा। मतलब फेदोरेका का ही कुआं है और उन्होंने उस काम को करवाया, फेदोरेका ने कुआं खुड़वाया। तो जैसे आप लोग वार्ड सदस्य हैं तो मतलब पहले जो कुआं कोड़ा था उसका कुछ होगा ना आपके पास, फोटो वगैरह? जी हाँ, फोटो है। फोटो आपके पास है? जी। वहीं दूसरे मामले में सालवे गांव में दिकदार सिंह के जमीन में डोभा का निर्माण करवाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार वहां पहले से तालाब बना हुआ था, लेकिन पदाधिकारियों के मिलीभगत से राशि की बंदरबांट कर ली गई। आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बगल में एक डोभा है। डोभा के पहले तालाब था, तालाब के छिल छाल के उसको डोभा बना दिया है। और यहाँ के मजदूर लोग बहुत काफ़ी से मतलब दिक्कत है, बहुत बड़ा आदमी है, किसी को बात नहीं मानता है। पहले वहाँ तालाब था, तालाब के जरिए वो डोभा बनाया गया है। हमने 2-3 बार उसको बोला तो हमारे ऊपर कार्रवाई करा के बोलेगा तो ज़्यादा मारबो करेंगे, ठीक है ना। वो है गलत कर रहा है, यहाँ के नाखुश आदमी पब्लिक है, वो काम करके मजदूर भी नहीं देता है। और उसके कहने पे जाते तो कहता है कि हम हमारे से लगेगा तो मारबो करेगा, हम किसी कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसे बोलता है वो। इसलिए आदमी यहाँ के पब्लिक सब डरा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपना अति क्या बोलते हैं, हम लोग अपने जाने बुद्ध अति ताकत से लगा रहे हैं, कुछ भी होगा तो हम लोग के आप ध्यान रखिएगा। ग्रामीण इलाकों में बन रहे सड़क में भी भ्रष्टाचार का मामला और मजदूरों के शोषण का मामला सामने आया है। चोरहा पंचायत में बन रहे सड़क में मजदूरों को महज 150 रुपये मजदूरी भुगतान की जाती है। मजदूरों के पास काम नहीं है, इस वजह से काम करने की मजबूरी है। वहीं सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले पत्थर को भी मनमाने तरीके से जंगल में तोड़वाया जा रहा है और उसी पत्थर से सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। बोलिए, कितना पैसा मिल रहा है? 150 मिलता है। और कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा करते हैं। मजदूरी बढ़ाने के लिए बोले हैं आप लोग? बोले हैं तो बढ़ाने के लिए बोले हैं तो देवे ने करता है तो। क्या बोलते हैं? 150 देंगे बोलता है तो। आगे से देवे ने करता है। 8 बजे से 12 घंटा करते हैं। और 150 पैसा मिलता है। 200 बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो बोलता है जे पहले से काम कर दिए तो कैसे अब बढ़ाएंगे। यहाँ महिला सब 8 बजे से 5 बजे तक खटती है और कुल 150 रुपया भुगतान करते हैं मुंशी लोग। और देखिए आज है सुबह से काम लगे हुए हैं। ये काम कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? लाई आत्री सेट से लेकर के कंदरी तक काम चल रहा है। पीसीसी निर्माण है, कालीकरण है। ये रोड में पखल तोड़ रहे हैं मुंशी के कहने पर। कहाँ से पखल तोड़ रहे हैं आप? बस रोड साइड से। तो कहाँ जाता है पत्थर? यही रोड में।
किसके कहने पे तोड़ रहे हैं आप? मुंशी बोले हैं। मुंशी बोले हैं क्या? यही पत्थर रोड में लग रहा है? कहीं कहीं लग रहा है। अच्छा, कितना पैसा मिल रहा है आपको पत्थर तोड़ाई का? एक टाली पर 700 देता है। एक टाली पर 700?